कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटर टॉपिक्स की लिस्ट बता दी है, नेमिंग फॉर्मूला राइटिंग, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और बर्नर थ्योरी। ये जो लिस्ट है ना, ये मैंने बनाई है ऐसे के ये जो लास्ट का टॉपिक है ये कोई इतना इंपॉर्टेंट तो होता नहीं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। वैसे ये फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, लेकिन मैंने इसको लास्ट में रखा। पहले चैप्टर का वो टॉपिक करा रहा हूँ जिसकी वैल्यू है ज़्यादा, यानी कि कौन सा बेटे, नेमिंग एंड फॉर्मूला राइटिंग। सबसे पहले एक बार आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ना हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स are joined with ligands with coordinate bond, ठीक है ना, coordinate bond या coordinate bonds। coordination compounds का दूसरा नाम होता है complex compounds। इसमें दो चीज़ें होनी जरूरी हैं, वो दो चीज़ें होनी जरूरी क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट होना जरूरी है और एक लिगेंड होना जरूरी है। और लिगेंड क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है। लिगेंड क्या होता है बेटे, जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लिगेंड इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हम ये बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में तीन तरह के लिगेंड्स हो जाएंगे। कुछ होते हैं बेटे मोनोडेंटेट, जिनके पास एक लोन पेयर होता है। कुछ हो जाएंगे बेटे डाइडेंटेट, इनके पास दो लोन पेयर हो सकते हैं। और कुछ हो जाते हैं पॉलीडेंटेट, जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेटे आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट और लिगेंड होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एग्जांपल में आके जैसे देखो ये CONH3 का होल 6 CL3, इसमें ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है, ये काउंटर आयन, ठीक है। Thank you.
चलो ठीक है बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप आराम से कुछ छोड़ जाएगा तो रिकॉर्डिंग से ले लेना। अच्छा अभी देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये एग्जांपल आपको दे दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए एक सेंट्रल एटम होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, काउंटर आयन होगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेमिंग करने के एक दो क्वेश्चन हमारे को पक्का मिल जाएंगे बच्चों के अंदर, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए ना एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिगेंड्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो बना लेते हैं लिगेंड्स की लिस्ट। ठीक है, लिगेंड्स की ना ऐसे पूरी लिस्ट है बच्चों। तो लिस्ट ऑफ लिगेंड्स ऐसे है कि पहले हम ना मोनोडेंटेट लिगेंड्स की लिस्ट बनाई। मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक एटम ऐसा होता है जिसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। लिगेंड बनने की शर्त है कि उसके पास लोन पेयर हो या फिर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, एक ही बात हो जाती है ना, मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि लिस्ट ऐसे बनेगी कि यहाँ पर हम लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। यहाँ पर उस लिखेंगे उसका नाम और यहाँ पर लिखेंगे उसका चार्ज, चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे फेमस लिगेंड में मैं मानता हूँ अमोनिया को। अमोनिया जब लिगेंड बनता है तो उसका नाम क्या बन जाता है बेटे, अमाइन। चार्ज होता है जीरो। एक होता है CO, CO को कार्बोनिल कहते हैं, कोबाल्ट नहीं कहते। कोबाल्ट तो कैपिटल सी और स्मॉल ओ होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद बेटे ऐसे ही वाटर है, वाटर को यहाँ पर एक्वा कहते हैं, चार्ज क्या है जीरो। फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिगेंड बन सकते हैं, जैसे अमाइन चैप्टर जब हम करेंगे ना तो उसमें CH3NH2 होता है, ये होता है मीथेन अमाइन, इसका चार्ज होता है जीरो। ये सारे तो हो गए न्यूट्रल लिगेंड्स। सारे कैसे हो गए बेटा, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है ना। फिर एक है बेटे, साथ साथ कॉपी कर लो, एक है Cl, ये होता है क्लोराइडो, क्लोराइडो का चार्ज -1। फिर ऐसी Br, ब्रोमाइडो, चार्ज -1, फ्लोराइडो, चार्ज -1। ऐसी आयोडीन हो जाएगा साइनाइडो, चार्ज -1। ये सब जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, क्योंकि इन सबके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, और देखो बेटे कुछ होते हैं बच्चों एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, जैसे ऑर्गेनिक में भी होते हैं ना। जैसे एक बड़ा फेमस है NO2, NO2 का नाम रखा है नाइट्राइटो N,
क्योंकि ये एन से जुड़े हुए और चार्ज माइनस वन है, ओ एन नो होता है, इसका नाम रखा है नाइट्राइटो ओ, क्योंकि ये ओ से जुड़े हैं। ये कैसे लिगेंड्स हैं? ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब होता है कि दे कैन अटैक फ्रॉम डिफरेंट एटम्स, दे कैन अटैक फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। एक ही ग्रुप का एटम होता है, एक ही ग्रुप का लिगेंड है, लेकिन अटैक करने के लिए एटम अलग है। जैसे ये एक ही है NO2 और ONO, दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, लेकिन ये N से भी जुड़ सकता है क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और O से भी जुड़ सकता है क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही सेम टू सेम और भी है, जैसे एक है SCN, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो चार्ज माइनस वन। एक होता है NCS, इसको ऐसे बोल सकते हैं थायोसाइनेटो S, सो क्योंकि ये S से जुड़ेगा, और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो N, क्योंकि ये N से जुड़ेगा, चार्ज अगेन क्या है बेटा इसका माइनस वन। ठीक है, एक और बड़ा फेमस लिगेंड है, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सो OH, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइडो हो गया इसका नाम, ठीक है ना, अच्छा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, पहले हाइड्रोक्सो कहते थे, अब आइडो आइडो आ गया, जैसे क्लोरो बोलते थे पहले, अब क्लोराइडो हो गया, साइनो बोलते थे, अब साइनाइडो हो गया, ऐसे। तो ये लिगेंड की लिस्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बताओ, और कुछ बाकी डाइडेंटेट लिगेंड्स पे आते हैं, इसमें एक NO होता है बेटे नाइट्रोसिल, ठीक है ना, नाइट्रोसिल चार्ज इसका प्लस वन है, नाइट्रोसिल। इसके बारे में कंफर्म कर पूरा आपको, और फिर आते हैं बच्चों कुछ डाइडेंटेट लिगेंड्स, डाइडेंटेट लिगेंड्स, और डाइडेंटेट लिगेंड्स में होते हैं टू एटम्स हैविंग लोन पेयर ऑफ एटम, हैविंग लोन पेयर, डाइडेंटेट लिगेंड्स में यहाँ लिख देता हूँ। दो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, एक होता है CH2NH2, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, चार जीरो, शॉर्ट में EN लिखते हैं। एक होता है CO- ऑक्सलेटो, चार माइनस, इसको शॉर्ट में OS हो। तो ये हमारे मेन मेन लिगेंड्स हो गए जो नेमिंग में ज़्यादातर यूज हुआ करेंगे, ठीक है ना, हम नेमिंग शुरू कर सकते हैं आप।
अब जरा देखो बेटे नेम कैसे करते हैं वो देखो, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम ना दो कैटेगरी में बांट लेंगे कंपाउंड्स को। एक हम रखेंगे जिसमें ऐसा सिचुएशन है कि जो काउंटर आयन है, जो काउंटर आयन है वो लास्ट में, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये ऐसे ब्रेक होगा। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो ब्रैकेट कभी ब्रेक नहीं होता पानी में घोलने पर, जैसे इसमें वाटर डाला तो ये ऐसे ब्रेक होते हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये ना कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आया बेटे, पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्या बोलोगे इसको, कटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। एक सिचुएशन ये ले लो कि जिसमें काउंटर आयन पहले है, काउंटर आयन पहले है, इसको पानी में डाल के जब ब्रेक करोगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा 3K+ और FeCN का होल 6 3-। अब देखो स्टूडेंट्स ये है कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल लो या ऐसा केस बोल लो जिसमें काउंटर आयन लास्ट में, वो एक सिचुएशन होगी, काउंटर आयन पहले हो या अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो उसे एक जैसा ही माना जाएगा, समझ रहे हो बात को, नेगेटिव चार्ज आना या काउंटर आयन पहले आना एक कॉन्सेप्ट माना जाएगा। अब इसका नाम कैसे करते हैं वो देखो, नाम करने के लिए ना मैंने एक सीक्वेंस बनाई है जो बहुत एक्सक्लूसिव है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, वो ऐसी सीक्वेंस है। देखो जब नाम लिखते हैं ना तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, काउंटर आयन, अगर काउंटर आयन पहले है तो सबसे पहले काउंटर आयन आएगा, अगर काउंटर आयन लास्ट में है तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, मतलब दोनों को ही मैं एक साथ समझा दूंगा आपको, मतलब मेरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने कि जैसे काउंटर एंड पहले होता है तो पहले लिखा जाता है, एंड में होता है तो एंड में लिखा, जहां होता है वहीं लिखा जाता है। अब आते हैं ब्रेस की बारी में, इसमें क्या लिखा जाता है, सबसे पहले ना ये नीचे का नंबर लिखा जाता है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं और लिगेंड नंबर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ना प्लस करके बोलते हैं, जैसे 5 ये और 1 ये, तो कोबॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैं इसको अभी लिगेंड नंबर बोलूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबको प्लस करके आता है, मैंने क्या नाम रखा है इसका, लिगेंड नंबर, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड नंबर, जैसे यहाँ पर 5 है तो पहले पेंटा लिखा जाएगा, ठीक है ना। लिगेंड नंबर के बाद क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाता है। अब नेम ऑफ लिगेंड लिखने के लिए ना आपको ऑर्डर फॉलो करना होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है। जैसे देखो यहाँ पर दो लिगेंड है ना, एक का नाम है अमाइन और एक का नाम है सल्फेटो, ये लिगेंड की लिस्ट में रह गया था, 2-3 लिगेंड्स रह गए मोनोटेंडेट में, अभी वो ऐड करा देंगे, तो इसका नाम है सल्फेटो, इसका नाम है अमाइन, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा तो इसको लिखा जाएगा, फिर लिखा जाता है आगे सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के ब्रैकेट में लिखा जाता है उसका चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में लिखा जाता है क्या, काउंटर आयन, मतलब देखो वो मैं समझा चुका कई बार आपको कि काउंटर आयन जाए वही लिखना है, पहले तो पहले बात रहे हैं तो बात। अब मैं इस वाले का नाम लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं इस ये सीरीज अगर आप समझ रहे हैं ना आप सारी नेमिंग समझ जाओगे, और मैंने ये सीरीज सीक्वेंस जो है ना खुद सोच के बनाई है, किसी बुक में नहीं लिखी, खुद दिमाग लगा। तो सबसे पहले देखो इसका नाम कर रहे हैं, क्या इसमें पहले कोई काउंटर आयन है, तो सीधा क्या लिखेंगे, लिगेंड नंबर, उस लिगेंड का जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, लिगेंड नंबर उस लिगेंड का जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब देखो यहाँ पर अमाइन है और सल्फेटो है, 5 है ना, तो यहाँ पर क्या बोलना है आपने, पेंटा अमाइन सल्फेटो, बिना जगह छोड़े सल्फेटो। देखो लिगेंड नंबर हो गया, नेम ऑफ लिगेंड हो गया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो गया, अगर सल्फेटो का भी नंबर होता तो उसके साथ लिख देते, मान लो 2 होते सल्फेट तो हम डाई सल्फेटो लिख देते। फिर आएगा सेंट्रल एटम जो कि है कोबाल्ट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोबाल्ट, कोई जगह नहीं छोड़नी होती है। ब्रैकेट में क्या लिखना है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, कोबाल्ट का चार्ज हो गया x, अमोनिया का हो गया 0,
सल्फेटों का माइनस टू होता है प्लस बी आर का माइनस वन होता है इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है थ्री। इसीलिए ना लिगेंड का नाम लिखते हुए उसके चार्जेस बताए थे, ठीक है ना। तो आगे ना निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम को एक्स मानते हैं प्लस जो लिगेंड से सबके ऐड करते जाते हैं, लास्ट में काउंटर एन होता है उसको भी ऐड कर देते हैं। अब लास्ट में ये बचा, देखो ये हमारा कंपाउंड था, ये पूरा हम लिख चुके काउंटर एन। अब देखो यहां तक पहुंच गया मैं, अब क्या रह गया लिखना, सिर्फ काउंटर एन, काउंटर एन ब्रोमाइड है, लास्ट में क्या लिख देंगे ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या बन गया, पेंटाअमाइन सल्फेटो कोबाल्टर्ड। अब उसका भी देख लो ताकि पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखो सबसे पहले के लिखते हैं बच्चों काउंटर लाइन अगर पहले हो तो, उसके बाद के लिखते हैं लिगेंड का नंबर अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जितने भी लिगेंड है सबको लिखते जाते हैं लाइन में, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम लिखते हैं ब्रैकेट में, उसका क्या लिखते हैं ऑक्सीडेशन, लास्ट में काउंटर लाइन लिख देते हैं। अब इसका देखो इसका कैसे होगा, इसका ऐसे होगा कि इसमें पहले ही काउंटर लाइन है तो इसका नाम ऐसे बनेगा, पहले ही क्या लिख देंगे काउंटर लाइन का नंबर नहीं लिखते, काउंटर लाइन का नंबर नहीं लिखते। वैसे यहाँ पे तीन तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखता। अब ये हो चुका काउंटर लाइन हो गया, अब क्या रह गया लिगेंड का नंबर रह गया, लिगेंड का नंबर इसमें है हल्की सी जगह छोड़ेंगे बस काउंटर लाइन, और आगे छः के लिए क्या आ जाएगा हेक्सा, सी एन को क्या बोलते हैं साइनाइडो। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब काउंटर लाइन पहले होता है या ब्रैकेट में क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो एट लगाना पड़ता है, एट जोड़ना पड़ता है सेंट्रल एटम के नाम के आगे। जैसे ये बन जाएगा फेरेट, एफ ई क्या बन जाएगा फेरेट। ये एक शर्त है कि काउंटर एन अगर पहले हुआ या ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज हुआ तो सेंट्रल एटम के नाम के साथ क्या लगाना है एट लगाना है, यानी कि इसका नाम क्या आएगा आगे फेरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आमने सामने समझा दिया है, ऐसी बहुत कम वीडियोस मिलेंगी आपको जिसके अंदर आमने सामने एक बारी में समझा दें, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देता हूँ, देखो के का कितना होता है प्लस वन, ये हमें पता होना चाहिए, इतने भी छोटे बच्चे नहीं है, इंटू थ्री, एफ ई का एक्स, सी एन का माइनस वन, इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो थ्री आ गया। तो इसका हो गया नाम, क्योंकि आगे काउंटर एंड नहीं है, आगे खत्म हो गया, या तो काउंटर एंड पहले होगा या काउंटर एंड बाद में होगा या काउंटर एंड नहीं होगा, तीन सिचुएशन होंगी। काउंटर एंड पहले हो तो प्रॉब्लम ये आएगी कि एट याद रखना है, काउंटर एंड बाद में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट का फंडा काउंटर एंड पहले होना या नेगेटिव चार्ज होना एक ही बात है। जैसे अगर मैं अगर ये अगर मैं खाली इसका नाम लिखता खाली इसका तो क्या बोलता हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, क्योंकि इसमें पोटेशियम नहीं था ना। ऐसे भी आ सकता है नाम लिखने के लिए, जरूरी नहीं होगा कि कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आएगा, आयंस का नाम लिखने के लिए भी आ सकता है। ऐसा मान लो खाली इसका भी आ सकता है, जब इसका लिखते तो ब्रोमाइड नहीं आता लास्ट में, बस आगे आयन लिख देते बस। हाँ अगर जैसे इसका है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना तो भी एट आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी एट आएगा, नेगेटिव चार्ज का होना या काउंटर एन का पहले होना एक ही बात होती है। समझ में आ गया सबको, तो अब हम मल्टीपल कंपाउंड की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, नेमिंग का मैं समझा दी, अब कंपाउंड आपको पाँच छः दूंगा फिर आपसे, ठीक है। ठीक है, लिख दो सर।